गाइस अपनी R15 का कोल्ड स्टार्ट चल रहा है इस वक्त, और ये हुआ कल जो ये बारिश में भीगी तो इस पर गीले गीले स्पॉट्स रह गए थे। फिर मैंने भी बाइक को साफ किया है और धूप में खड़ी है अभी ये सूखने के लिए। लेकिन यार ये गंदी हो गई कल उसमें कीचड़ वीचड़ में पानी में चलने की वजह से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अहमर, आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल UP81 फिल्म्स पे। तो गाइस चलो चलते हैं, एक राइड मार के आते हैं, बड़ा मन कर रहा है भाई मेरा तो। और बाइक इतनी स्मूथ चल रही है, अभी मैं उतरा था नीचे, थोड़ा सा साफ किया बाइक को, देखा दाखा बहुत ही प्यारी, एकदम मन होने लगा कि भैया राइड मार के आए। एक मैंने सेट कर लिया है, आज वाइजर भी बंद हो जाएगा, पूरा हो भी रहा है। अब बस एक दिक्कत मुझे ये आ रही है कि कैमरा एंगल कैसे सेट किया जाए। यार आप लोगों के पास कुछ इसका जुगाड़ हो, कुछ हो तो मुझे बताओ प्लीज़। और दूसरी चीज़ ये है, चल के देखते हैं क्या क्या और नई नई चीज़ें मुझे डिस्कवर करनी है अभी बाकी, क्योंकि रोज़ाना चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। जैसे कि कल पता चला कि माइक जो है वो निकल जाता है चलते में, तो फिर उसको सेट करना होता है, फिर उसको चेक करते रहना चलता है, वरना फिर जितनी आप शूट करोगे तो वो तो आवाज़ रिकॉर्ड होगी नहीं। तो ये चीज मैंने देखी। चलो अब चलते हैं और चल के एक राइड मार के आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं अलीगढ़ में और क्या क्या चीजें मैं नई नई सीखता हूँ व्लॉगिंग में। तनिक तो चश्मा पहन के जोर पड़ रहा है आंखों पे। निकलते निकलते यहीं की रिकॉर्डिंग हो गई होगी मेरे ख्याल से 3-4 मिनट की तो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट काम होता है भाई। ये तो बंद कर दूं वाइजर इससे के पहले। जी हो गया। चलो जी चलो, अब देखते हैं कैसा आता है इसमें आवाज। कल बड़ी दिक्कत थी भाई इस वाइजर में, जो बंद नहीं हो रहा था, हो गया वाइजर कंप्लीटली बंद, पैक हो गए हमारी आवाज एकदम। अरे भाई क्या गंदगी है, ऑफ रोडिंग सी कर रखी है यहाँ। ओ भाई साहब, कंप्लीटली जाम एकदम रखा है भाई, घंटा क्या घूर रही है मुझे एकदम। यार इसका स्पीडोमीटर का वायर भी हिल रहा है, जिसके वजह से हम एवरेज चेक करना चाहते थे वो भी नहीं हो पाया। चाहे कि स्पीडोमीटर चलेगा भाई तभी तो किलोमीटर आएंगे, और कैसे चेक होगा। यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे अपने कैमरे दिल से दिल लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई फ्यूल बहुत भारी हो रहा है, इसके से हेलमेट भी और नीचे वो आ रहा है। चलो कोई नहीं, कुछ टाइम की बात है, बाकी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। एयर क्लियर, अब दोबारा में भी सही रिकॉर्ड हो जाए। जनता तो ऐसी घूर रही है, ऐसे पहली बार देखा हो कोई ब्लॉगर, ऐसे ऐसे प्रॉपर मोटो व्लॉग करने वाला तो मतलब मैं ही हूँ, और सारे लीवर में ज़्यादातर जो है स्ट्रीट ब्लॉगर हो गए या स्टंट हैडी स्टंट हो गए, वो सब लोग हो गए। हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कैंपस के ग्राउंड मारने के लिए, देखते हैं क्या चल रहा है कैंपस में। मेरा भैया बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और ब्लॉगिंग करने का, सीधी सी बात बताऊँ तो क्या है कि मज़ा आ रहा है ड्राइंग करने में, और ग्लव्स पहन के भाई खासतौर से पूरे गियर गियर ना पहने ना, दूसरी बाइक पे जब मैं होता हूँ ऐसा लगता है ना नंगा नंगी फीलिंग आती है, जैसे कपड़े ना पहने हो भाई। अच्छा यार ये आदत डल जाए, सर्दियाँ भी आ रही हैं और भाई हमें तो कंटिन्यू ब्लॉग करना है भाई। यार दिमाग ठंड हो गया है, सब ये कटा है 7 तारीख में चला मेरी बाइक पे 5,000 रुपये का, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, क्योंकि चलाने 5,000 रुपये का
क्वालिटी नंबर प्लेट, अब कैसे बताऊँगा भाई, अप्लाई तो कर दिया है मैंने, अब क्या कैसे करूँगा बोलो, मानेंगे नहीं। अपनी गलती पुलिस वाले देख लो भाई, जो हमारे घर में घूमते रहते बिना हेलमेट के, काटेगा चला। मैं तो सोच रहा हूँ एक आध का फोटो खींच के ट्विटर पर डाल दूँ यूपी पुलिस को टैग करके, लेकिन चक्कर ये है उसमें यार नुकसान इन लोगों का होगा, सस्पेंड उस्पेंड हो जाएगा कोई ना कोई, तो वो सही चीज़ नहीं है भाई। भाई से मैंने डिस्कस किया था उस बारे में, कह रहे थे छोड़ो यार किसी की नौकरी जाएगी इसलिए घर चलता है, वो सब मामला खराब हो जाएगा घर का, ये तो खैर मुझे बात है। मीटर चेक कराने आए थे और जय भाई ने बताया कि वायर इसका एक थोड़ा सा फॉल्टी है, ये वाला जो टायर के पास होता है जो मीटर से रीड करता है मामला, वो वाला 250-300 का आएगा ये, कृष्णा वाले के पास जाके शाम में या कल को देखूंगा कि भाई क्या है मसला, क्या मैटर है। बाकी तो सही ही है, गाड़ी अच्छा ही लगता है यार, ये 0-0 आता है मामला। चलो बाहर निकलते हैं फिर भाई, ड्राइवर बंद करेंगे ही। ठीक है जय भाई, चलता हूँ फिर, थैंक यू। देखते हैं चालान का क्या कर रहा है जय, बाय। बच्ची बहुत देर से मेरी बाइक में देख रही थी चीजें, छतली कार के ऊपर, तो भाई ये तो मिलने के फिर तैयारी में है, हम लोगों को तो भाई साहब किसी लड़की ने अगर देख लिया भाई चीख मार देगी, मैं तो नहीं निकालूंगा इस कार के पास से भाई, भाई चीजें भी खिलावा कर देगा कुत्ता मेरा। बड्डे खुदे हुए यहाँ पे, इतना भयानक सा लग रहा है देख के, उस कार में ले गई बीच से थोड़ा टायर। भैया BMW 1250 वाली जगह हो रही है एकदम, हम यहाँ अपनी 1250 और रेड यहाँ पे करो ऑफ रोड है। क्या बात है भैया की, क्या बात है भैया जी की। तो गाइज अभी मोटो ब्लॉग तो बहुत बढ़िया गया और वाइजर भी सेट बंद हुआ, आवाज भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई, और हमें ये भी पता चल गया हमारी बाइक का जो मीटर में प्रॉब्लम है वो क्या है। एक्चुअल में एक वायर है वो हिल रहा है, खराब हो रहा है, मुड़ मुड़ गया काफी टाइम से, बस वही चेंज करा रहा है, मीटर सही हो जाएगा। और दूसरी चीज कार पे जो छपकली थी भाई वो बड़ी खतरनाक थी, मैंने जो पॉइंट किया मुझे ही घूरने लगी, मुझे लग रहा है वो टाटा सुमो पे चढ़ गई है। चलो फिर जो भी है अपना, और ये है कि शाम में दिवाली की जो भी प्रिपरेशन चल रही है सेंटा पॉइंट में अलीगढ़ में वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो शाम में निकलेंगे। अब अभी तो खैर 4 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे 2-3 घंटे में। बोलो गाइज ये देखो क्या बढ़िया तैयारियाँ चल रही हैं अलीगढ़ के अंदर, पूरा सजा हुआ है सेंटर पॉइंट तो भाई बेहतरीन। गाइज ब्लाइंड डर रहा है कि ब्रेक नहीं है गाड़ी में, मुझे पता है ब्रेक नहीं है, लेकिन हल्के हल्के चलाओ, दौड़ाओ मत, तुम अच्छी बाइकर चलाने वाले आदमी है यार। यार कितना खूबसूरत लग रहा है बिलाल,
तुम यही चाहते थे ना मैं यही रिकॉर्ड करूं? जाम में फंस गए हैं। यहाँ पे बड़ा तगड़ा वाला जाम हुआ हुआ है और करीब 10-20 मिनट से खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप हल्के हल्के बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। ये सिटी जो है ना, होंडा सिटी, इसने लगा दिया है भाई। हरियाणा नंबर की कार है, हल्के हल्के चल रही है। चलो निकल गई अब तो। दिवाली की वजह से रश बहुत हुआ रखा है जमाने में। हाँ हाँ, एक ही बात है बिलाल, हुआ रखा है, हो रखा है। बस गाइस, ये है सेंटर पॉइंट का एंड और यहाँ पे आ जाएगी हमारी शॉप, हमारी यानी कि अग्रवाल मोबाइल पॉइंट। भाई मैं तो उसको अपना ही बोलता हूँ। मेरे यहाँ 17-18 वाले गए एक शॉप से, तो यही है कहानी। मेरी भीड़ ही भीड़ चल रही है भाई दिवाली पे। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग उठ जाए और आप लोग को पसंद आए। देखो यार, मोटो व्लॉगिंग ना आसान काम नहीं है, मैंने देख लिया। भाई फोन को पूरा संभाल के, या फिर एक्शन कैमरा का, हेलमेट को, सब चीजों को संभाल के रखना पड़ता है एकदम। अब माइक पे से आवाज आ रही है नहीं आ रही, सब चीज चेक करते रहनी पड़ती है रुक रुक के। तो गाइज, मेहनत बहुत लग रही है। आप भी वीडियो को प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक करो और चैनल करो सब्सक्राइब। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रखो अपना ख्याल। बाय गाइस। देखो अभी भी सामान लेके आ रहा हूँ मैं, तो सामान ले लेके पूरा दिन निकल जाता है ये सब में। चलो मिलते हैं, बाय।